हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं दो टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को, विच इज़ जेपी यूनिवर्सिटी एंड आईआईएलएम यूनिवर्सिटी। इस वीडियो में हम उन दोनों यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी ज़्यादा बेटर है बीटेक में एडमिशन लेने के लिए। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें लोकेशन की, तो आईआईएलएम यूनिवर्सिटी जो है वो लोकेटेड है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, वहीं पे जेपी यूनिवर्सिटी जो है वो लोकेटेड है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। अगर हम बात करें कैंपस साइज़ की, तो आईआईएलएम यूनिवर्सिटी का कैंपस साइज़ 26 एकर्स का है, वहीं पे जेपी यूनिवर्सिटी का कैंपस साइज़ जो है दैट इज़ ऑफ 95 एकर। अगर एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करें, तो आईआईएलएम यूनिवर्सिटी जो है वो 1993 में एस्टैब्लिश हुआ था और जेपी यूनिवर्सिटी 2014 में, यानी कि जेपी यूनिवर्सिटी आईआईएलएम यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में न्यू है। अगर हम बात करें रैंकिंग्स की, तो आईआईएलएम यूनिवर्सिटी को टाइम्स ऑफ इंडिया ने 87 रैंक दिया है अमंग 182 कॉलेजेस इन 2020। वहीं पे अगर जेपी यूनिवर्सिटी के रैंकिंग्स की बात करें, तो आईआईआरएफ ने जेपी यूनिवर्सिटी को 95 रैंक दिया है अमंग 160 कॉलेजेस इन इंडिया इन 2024। अगर हम इन दोनों कॉलेज के प्लेसमेंट रिलेटेड डिटेल्स को कंपेयर करें, तो आईआईएलएम यूनिवर्सिटी में टोटल जो रिक्रूटर्स ने विजिट किया था दैट इज 200+। अगर हम हाईएस्ट पैकेज की बात करें, तो आईआईएलएम यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट पैकेज जो है दैट इज ऑफ 18 एलपीए। अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें, तो आईआईएलएम यूनिवर्सिटी का 3.2 एलपीए का एवरेज पैकेज है। वहीं अगर हम जेपी यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट डिटेल्स की बात करें, तो वहां पे 250+ रिक्रूटर्स ने विजिट किया था। हाईएस्ट पैकेज उस कॉलेज का 32.5 एलपीए का है, एवरेज पैकेज 6 एलपीए का है, यानी कि हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज जो है वो जेपी यूनिवर्सिटी का ज्यादा बेटर है इन कंपेयर टू आईआईएलएम यूनिवर्सिटी। अगर हम बात करें की रिक्रूटर्स की, तो आईआईएलएम यूनिवर्सिटी के की रिक्रूटर्स जो थे वो थे डेलॉइट, पेटीएम, रिलायंस, कोटक महिंद्रा बैंक, फेडरल बैंक एसेट्रा। वहीं पे अगर हम जेपी यूनिवर्सिटी के की रिक्रूटर्स की बात करें, तो जेपी यूनिवर्सिटी के की रिक्रूटर्स थे एचसीएल, विप्रो, Amazon, Accenture, Deloitte, etc. जैसी कंपनीज। अगर हम दोनों कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपेयर करें, तो दोनों ही कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। हाँ, कैंपस साइज़ का जो डिफरेंस है वो काफ़ी मेजर है। जेपी यूनिवर्सिटी का कैंपस साइज़ 95 एकर्स का है, वहीं आईआईएलएम यूनिवर्सिटी का 25 एकर का कैंपस है। अगर हम बात करें फैसिलिटीज़ कौन कौन सी अवेलेबल है कैंपस में, तो हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लैब, लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, ओपन जिम, हॉस्पिटल, वाईफाई, कैंपस एक्सेट्रा जैसी फैसिलिटीज जो है वो आईआईएलएम यूनिवर्सिटी और जेपी यूनिवर्सिटी दोनों में ही अवेलेबल है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में दोनों ही कॉलेजेस काफ़ी अच्छे हैं। अब अगर हम कंपेयर करें दोनों कॉलेजेस के फ़ी स्ट्रक्चर को, तो आईआईएलएम यूनिवर्सिटी में बीटेक का पर ईयर जो फीस है दैट इज़ 1.84 लाख, यानी कि टोटल 4 साल के फीस की बात करें, तो बीटेक का 4 ईयर का फीस आईआईएलएम यूनिवर्सिटी में 7 to 8 लाख के बीच में होता है। वहीं पर अगर हम जेपी यूनिवर्सिटी के फ़ीस स्ट्रक्चर को देखें, तो वहाँ पर बीटेक की पर ईयर की जो फीस है दैट इज़ 1.5 लाख, यानी कि 6 लाख to 7 लाख के बीच में 4 साल की टोटल बीटेक की फीस वहां पे लगती है। दोनों ही कॉलेजेस अपने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली बेस्ड अपॉन दी मेरिट। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि इन दोनों कॉलेजेस में एडमिशन कैसे मिल सकता है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आपके 12th में 50% के ऊपर मार्क्स आए हुए होने चाहिए, प्लस यहाँ पे जेई मेंस के परसेंटाइल के बेसिस पे भी एडमिशन होता है। तो अगर आपको इन दोनों कॉलेजेस में से कोई भी कॉलेज पसंद आया हो और आप इसमें एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो दोनों ही कॉलेजेस के एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लस अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी कॉलेज से रिलेटेड, तो आपको कुछ नंबर्स भी मिलेंगे जिन पे आप कॉल करके उन कॉलेजेस से रिलेटेड इंक्वायरीज कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।